BSA6 नॉर्म्स के दूसरे फेज के तहत कड़े एमिशन नॉर्म्स के लिए वाहनों को अधिक अपग्रेडेड तकनीकों को शामिल करने की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्टर, सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस आदि शामिल हैं। आज प्रदूषण भारत में खतरनाक चिंताओं में से एक है और WHO के अनुसार यह भारत में मृत्यु दर का 5वां प्रमुख कारण है। भारत के 30 शहरों ने पहले ही दुनिया के शीर्ष 100 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अपना नाम अंकित कर लिया है। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास तेजी से बढ़ रहा है और यह उद्योग वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान देता है। कई आंकड़ों में यह भी दावा किया गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लगभग 58% है, हाइड्रोकार्बन एमिशन लगभग 46% है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन 18% है। आने वाले 1 अप्रैल 2023 से देश में सभी नए वाहनों, यात्री वाहनों, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों को नए एमिशन नॉर्म्स का पालन करना होगा, जिसके लिए सरकार जल्द ही भारत में BSA6 एमिशन नॉर्म्स के दूसरे फेज की शुरुआत करेगी और अधिक कड़े BSA6 नॉर्म्स के दूसरे फेज यूरोवी मानकों के बराबर होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि BS6 फेज 2 नॉर्म्स क्या है और इस नॉर्म्स के कारण बाइक्स में क्या टेक्निकल अपग्रेड होने वाले हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6 एमिशन नॉर्म्स। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने पिछले BS4 नॉर्म्स को हटाकर BS6 एमिशन नॉर्म्स का विकल्प चुना था और सभी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को 1 अप्रैल 2020 के बाद सभी BS4 को बनाना बंद कर दिया और सिर्फ अब वे केवल BS6 नॉर्म्स वाली कारों और दोपहिया वाहनों का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। BS6 एमिशन नॉर्म्स के टोटल 5 बदलाव है जो कि BS4 एमिशन नॉर्म्स से अलग करते हैं। आइए एक एक करके सभी को जानते हैं। BS6 एमिशन नॉर्म्स BS4 एमिशन नॉर्म्स की तुलना में अधिक कड़े हैं। BS6 वाहनों के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर डीजल के लिए 70% और पेट्रोल इंजन के लिए 25% कम किया गया है। BS6 वाहनों के लिए 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर से अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर BS4 ने 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर की अनुमति दी। BS6 वाहनों के लिए पार्टिकुलेट मैटर की सीमा 4.5 मिलीग्राम पर किमी है, लेकिन BS4 के लिए यह सीमा 25 मिलीग्राम पर किमी थी। BS6 फेज 2 नॉर्म्स में डीजल इंजनों के लिए उत्सर्जन मानक BS4 नॉर्म्स की तुलना में अधिक कठोर हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन 250 मिलीग्राम पर किलोमीटर से घटकर 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर हो गया है। इसके अलावा BS6 के लिए पार्टिकुलेट मैटर एमिशन 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर से घटकर 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर हो जाता है और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन भी 300 मिलीग्राम पर किलोमीटर से घटकर 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर हो जाता है। टेक्निकल एडवांसमेंट इन बाइक्स। BS6 मानकों का पालन करने के लिए हर बाइक निर्माता को अपनी बाइक के इंजन के लिए हाई एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता है। कार्बोरेटर की तुलना में ये इंजेक्शन सिस्टम महंगे हैं, जिसकी वजह से बाइक्स की कीमत 10-15% भी बढ़ गई। लेकिन BS6 फेज 2 नॉर्म्स का पालन करने के लिए 3 और टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत बाइक्स में पड़ेगी है। सबसे पहला है ऑनबोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में OBD भी बोलते हैं। एक वाहन के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो बाइक के एमिशन को ट्रैक और कंट्रोल करता है। यह ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम वाहन के अंदर सेंसर के नेटवर्क से जानकारी एकत्र करता है और यूजर को मीटर कंसोल पर होने वाली समस्याओं के प्रति वार्न करता है। दूसरा है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। डीजल कारों में सालों से पार्टिकुलेट फिल्टर लगाए जा रहे हैं और अब प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल कारों और बाइक्स में भी इन्हें लगाया जा रहा है। पार्टिकुलेट फिल्टर इंजन के एग्जॉस्ट से निकलने वाले कार्बन के कणों को फंसा कर उन्हें पर्यावरण तक पहुंचने से रोकता है और चोक हो जाने पर सेंसर के जरिए सिग्नल देता है। और तीसरा है रियल ड्राइविंग एमिशन। ये सिस्टम रियल टाइम में एमिशन लेवल को मेजर करेगा। अभी तक एमिशन की जांच रुकी हुई बाइक्स में की जाती थी, लेकिन BS6 फेज 2 नॉर्म्स में चलती बाइक में अलग अलग स्पीड और एक्सेलरेशन पर भी एमिशन की चेकिंग होगी और यूजर को रियल टाइम मीटर कंसोल पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। रियल ड्राइविंग एमिशन या RDE स्टैंडर्ड के रूप में भी जाना जाता है, BS6 नियमों के फेज 2 में सभी वाहनों को MIDC पर प्रयोगशाला वातावरण में परीक्षण के अलावा वास्तविक दुनिया की स्थितियों में एमिशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
नए आरडीई परीक्षण के आंकड़े प्रयोगशाला परीक्षणों में अधिक स्थिर स्थितियों के विपरीत वाहन की अलग अलग स्पीड और एक्सेलरेशन में लगातार परिवर्तन के साथ वास्तविक यातायात स्थितियों में वाहनों द्वारा उत्पन्न होने वाले एमिशन की मात्रा का अधिक सही अनुमान प्रदान करेंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में है, जिस में ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। आपकी क्या राय है इस नए एमिशन नॉर्म्स के बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है अब BS6 फेज 2 नॉर्म्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी जानकारी के लिए ऑटोजेनिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।